गंदे मम्मी के मुँह बहुत गंदे लगे, अच्छे नहीं लगे, मुझे टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू एस बिन्या व्लॉग्स। अभी हम सब यहाँ पे खड़े हैं, एंड ये सौरभ एंड ये मोहित सुमित का दोस्त है, ये तो हमारा बड़ा भाई है, ऊपर ये है। आज हम बनाने वाले हैं पतंग, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं पतंग बढ़ाएंगे, क्योंकि कल को बसंत पंचमी है, कल को उड़ाएंगे। आज भी मौसम जो है बहुत ही खराब है, कल बर्फ तो पड़ी थी बट इधर नहीं टिक पाई, ऊपर को हिल साइड पे टिकी है। हम सोचे थे जाने की बट वहाँ भी बर्फ पिघलने लगे, सो गाइस तब हम बनाएंगे पतंग, फिर मिलते हैं आपको। एंड गाइस आप सब लोग सोचोगे ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम सब लोग यहाँ पे खड़े हो गए। हम क्या कहते हैं जितने भी लोग थे हम जानते हैं, मुझे तो नहीं, मेरी तो अभी दीदी हो रही है एज, मेरे को लगे तो इन सबको जानता है सेकेंड डोज लगाने के लिए, बट मौसम ख़राब हो रखा था इस वजह से, सो आगे जाएंगे एक दो दिन में, इस वजह से आज यहाँ है। सो फिर हमने सोचा क्यों ना पतंग बना ले, हाँ बनाएंगे हम गाइस पतंग। तो गाइस अब यहाँ पे हमारी पतंग बनने लग चुकी है, जो मोहित बनाने वाला है अब वो बनाएगा। आप देखिए कैसे बनती है पतंग, हम भी देखते हैं, हमने आज से पहले कभी नहीं बना रखी है, ना ही उड़ा रखी है, मोहित बनाएगा, देखते हैं कैसी बनती है गाइस। सही है, एंड अब हम इसे कल को उड़ाएंगे, उड़ा के दिखाएंगे। आज हम थोड़ी सी टेस्ट करेंगे उड़ा के, मतलब कैसे जो उड़ती है हमसे फिर। सो गाइस अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस अभी हम पतंग उड़ाने गए थे बट बारिश बहुत हो रही थी, इस वजह से हम पतंग ही उड़ा पाए। सो अब हम खेल रहे कैरम गाइस, फिर मिलेंगे आपको। पाँच बज चुके हैं एंड आज बनाने वाले हैं मोमो, वहाँ पे रखी है मोमो के लिए सब्जियाँ, एंड यहाँ पे अभी लहसुन एंड अदरक फ्राई हो रहा है, तो अब हमें भी डालेंगे फिर हल्दी मसाला, फिर उसके बाद मोमो आएंगे। तो गाइस अब हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। हमारे मोमो बन चुके हैं, आप देख सकते हो ये यहाँ पे कुछ ऐसे से बने हैं, हमारा फर्स्ट ट्रायल है मोमो का, देख सकते हो दिखने में तो ये बहुत ही मस्त है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है एंड गिरा आधा और इतना बनाना है हमें अभी। सो जल्दी जल्दी बनाते हैं गाइस, देखते हैं कैसे बनेंगे, आप भी देखना, आपके लिए भी एक रेसिपी बन जाएगी एंड हमारे लिए भी एक कॉन्टेंट। सो गाइस यहाँ पे आप देख ही सकते हो बहुत ही अच्छा यहाँ पे बना हुआ है अपना मोमो, और मोमोज भी बनाते हैं गाइस अब। देख सकते हो हमारे मोमो यहाँ पे बनने लग चुके हैं, चल रहे हैं यहाँ पे, एंड आधे यहाँ पे कितने मोमो ये फ्राइड हैं, एंड इतने मोमो यहाँ पे और बन चुके हैं, इतने ही बनने रह गए हैं ये, और यहाँ पे ये फ्राइड मोमो निकाल रहे हैं। स्टीम बना लीजिएगा ना,
देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये हमारी फ्राइड मोमो एंड जिन्हें भी डाला जा रहे फ्राई करने के लिए। सो गाइस अब मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस यहाँ पे अभी हमारी चट्टी की तैयारी हो रही है, आप देख सकते हो मिर्च को बॉईल किया जा रहा है बिल्कुल, उसके साथ प्याज वाले लहसुन लहसुन भी बॉईल किया जा रहा है। सो अब हम बनाएंगे चटनी, फिर मिलते हैं आपको। यहाँ पे हमारे मोमो रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हो फ्राइड मोमो एंड चट्टी भी बन चुकी है। चट्टी की स्मेल बहुत ही तगड़ी है, खासी खासी जा रही है इससे। तो देखते हैं, हमने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है इस मोमो को घर में, हमने पहली बार हम इसे ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा जो बना है। या हमें इसे बना के पोपट जो होता है क्या जो होता है, मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है एंड इसके साथ मोमो बहुत ही बढ़िया। चटनी देख सकते हो क्या ही दिखती है, बहुत ही स्पाइसी होगी। सो गाइस अभी हम इसे टेस्ट कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होगा। प्रॉब्लम हो चुकी है, चटनी तो हमने बनाई बट इसमें नमक थोड़ी सी भी नहीं हो रहा, अजीब सा स्वाद आ रहा है ना, क्या कैसा होगा। चटनी के साथ बहुत ही अजीब हो रहा है, चटनी तो सी हो रही है बट नमक नहीं हो रहा उसमें थोड़ी सी, देखते हैं नमक मिक्स करना पड़ेगा इसमें। सो गाइस यहाँ पे अभी हमने इस पे नमक डाल दिया, टेस्ट कर दिया, अब बढ़ा हो गया इसे आपको बाद में। सो गाइस यहाँ पे हमने मोमो खा लिए, मोमो बहुत अच्छे होते थे बट एक पोपट हो गया था हमारे साथ, हम चटनी में नमक डालने भूल गए थे इसकी वजह से बहुत ही अच्छी बढ़ती, फिर हमने नमक डाल दिया था। सो बहुत शोर था, चटनी ही पड़ी है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा है, बाद में काम आ जाएगी। सो गाइस अब मिलते हैं हम आपको बाद में। सो गाइस मम्मी आप पे अभी रोटी बना रही है, सो हम मम्मी से पूछता है अभी उन्हें मोमो कैसे लगे। मम्मी आपको मोमो कैसा लगा? बहुत गंदे। मम्मी को मोमो बहुत गंदे लगे, अच्छे लगे? मुझे टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा। टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा, मम्मी ने ज्यादा भी नहीं खाया। सो गाइस देख सकते हो ये मम्मी को ज्यादा अच्छा नहीं लगा। सो गाइस अब मिलते हैं हम आपको थोड़ी देर बाद। सो गाइस यहाँ पर हमारा डिनर रेडी है, डिनर में अंडा करी एंड रोटी एंड मम्मी अभी भी रोटी बना रही है, हम तो बनाते आते हैं खाते आते हैं। मैं आपको बसंत पंचमी की शुभकामनाएं अभी से दे देता हूँ क्योंकि आज की वीडियो जो है हमारी कल दिखेगी आपको इस वजह से। आपको बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस अब करते हैं हम अपना डिनर, फिर मिलेंगे आपको, क्या मिलता है इस वीडियो में मिलकर ये एंड करते हैं। इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। बाय गाइज़।